सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेक आर्जुन में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो ये जो वीडियो मतलब खास होने वाली, तो इसको एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पर पहली दफ़ा टपके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा इसी तरह से ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 से रिलेटेड। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है मतलब ट्रस्टी वर्ल्ड, जिसको शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ट्रस्टी वर्ल्ड, या यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और इनके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इनके अनुसार जो ये ड्रामा है आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगी कुछ चाइनीज मीडिया के अनुसार। तो भाई ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है इस ड्रामे से रिलेटेड कि आपको कहाँ पे और कब तक देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में उन्होंने समझाया। तो उसको यदि आप देख लोगे, उनके भाई मतलब वीडियो को देख लोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट जरूर करना, और भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत। वैसे तो मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। तो जाकर के आप भाई को चेकआउट कर सकते हो उनके वीडियो को, और सपोर्ट जरूर करें, ओके। सो अब आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है। तो जो पहला ड्रामा है जिसका नाम है टेम्प्ट, और ये कोरियन ड्रामा है जो कि एक रोमांटिक मेलो ड्रामा होने वाला है, जिसके अंदर आपको टोटल 32 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसका रनिंग टाइम 35 मिनट की रखी गई है। लेकिन यह ड्रामा जो है आपको एमएक्स पे देखने को मिलने वाला है, तो इसकी जो एपिसोड है वो घट जाएगी, यानी कि 16 हो जाएगी, और रनिंग टाइम 1 घंटे 5 मिनट के अराउंड में हो जाएगी। ये अभी वन टेक मीडिया के अंदर डब्ड हो रही है, तो जैसे ये डब्ड हो जाती है तो आपको ये 1 से 2 महीने के अंदर आपको एमएक्स वेब पे देखने को मिल जाएगी। और जो दूसरा ड्रामा है जिसका नाम है आइटम, ये भी एक कोरियन ड्रामा है, और ये एक एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड होने वाली है, जिसके अंदर आपको टोटल 32 एपिसोड देखने मिलेंगे, और इसका भी रनिंग टाइम जो है 35 मिनट, और इसका राइट्स भी वन टेक मीडिया के पास है, तो ये आपको एमएक्स पेयर या फिर टीवी पर भी देखने को मिल सकती है। जो अगला ड्रामा है जिसका नाम है कनेक्ट, ये एक कोरियन ड्रामा है जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड ड्रामा होने वाला है। ये आपको इस ईयर नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से अभी इसके ऑडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपको किस किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही किस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर जरूर बता दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगला ड्रामा है वो भी एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है रिप्लाई 1988। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में, तो ड्रामे को 9.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और ये कॉमेडी रोमांस ड्रामा होने वाले, जिसके अंदर आपको टोटल 20 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 1.5 घंटे की होने वाली है। और इसके बारे में मैंने 3-4 महीने पहले ही अपडेट दिया था कि ये जो ड्रामा है आपको एमएक्स पे देखने को मिलने वाली है। तो इसकी जो राइट्स है अभी वन टेक मीडिया के पास, तो इसकी जो डबिंग है वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है आपको ये नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगी। तो अगला जो अपडेट है वो चाइनीज ड्रामे लवर्स के लिए होने वाला है, जो कि हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हैं। सो उनके लिए एक गुड न्यूज है, एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है एंड द विनर इज लव, जो कि आपको एमएक्स पे बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, वो भी हिंदी डब लैंग्वेज में। और ये जो ड्रामा है मिस्ट्री रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड होने वाली है, जिसको 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और इसके अंदर आपको टोटल 48 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 45 मिनट की रखी जाएगी। और इसकी जो डबिंग है अभी प्रोसेस में है, तो हो सकता है 1-2 महीने में आपको ये ड्रामा एमएक्स वेब पे देखने को मिल जाएगी। तो बस यही थी सारी के सारी अपडेट। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।